ऑनलाइन फ्रॉड मामले में बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई को ईडी ने अपना बयान दर्ज कराने बुलाया था, लेकिन ऐसा तीसरा बार हुआ जब नवाज ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंचे। नवाजुद्दीन की जगह उनके भाई शम्स नवाब सिद्दीकी और वकील रिजवान सिद्दीकी लखनऊ स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे और अफसरों से बयान दर्ज करने की गुजारिश की। अफसरों ने नवाज का अथॉरिटी लेटर मांगा, लेकिन वकील के पास वह नहीं था। ऐसे में अफसरों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह आपराधिक मामला है, इसमें उसका ही बयान दर्ज होगा, जिसे नोटिस दिया गया है। ईडी ने नवाजुद्दीन को 4 और 17 अक्टूबर को नोटिस भेजकर बुलाया था, लेकिन पहले नोटिस का नवाजुद्दीन ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बयान के लिए 22 नवंबर को बुलाया गया है। पूछताछ के बाद नवाजुद्दीन के भाई शमसुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके भाई ने कोई गलत काम नहीं किया। प्रमोशन के एवज में कंपनी द्वारा जो भुगतान किया गया उस पर टैक्स चुकाया गया। बता दें, नोएडा में 500 करोड़ रुपए का ऑनलाइन घोटाला करने वाली कंपनी वेबवर के साथ नवाजुद्दीन का नाम जुड़ा था। नवाजुद्दीन ने इस कंपनी का प्रचार किया था, जिसके एवज में उन्हें 1.5 करोड़ रुपए भी लिए थे।